हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ सुपरस्टार विजय की मूवी लियो, बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत और पंकज त्रिपाठी की कॉमेडी मूवी फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अगर आपको बॉलीवुड की न्यूज से अपडेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, काफी लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों के बीच दमदार क्लैश देखने को मिल रहा है। कुछ ने अच्छी कमाई की तो कुछ फिल्मों को हल्की फुल्की कमाई से ही काम चलाना पड़ा। बॉक्स ऑफिस पर ऐसी ही 3 फिल्मों के बीच कमाई और परफॉर्मेंस को लेकर बैटल राउंड देखने को मिल रहा है। इन फिल्मों ने हाल ही में रिलीज हुई सुपरस्टार की मूवी लियो, बॉलीवुड टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत और पंकज त्रिपाठी की मूवी फुकरे 3 भी शामिल है। साउथ सुपरस्टार थालापति विजय की लियो मूवी गुरुवार 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। ऐसे में अगर फिल्म की कमाई की बात करें तो फिल्म ने अपने रिलीज के तीसरे दिन 40 करोड़ की कमाई कर ली है, जिसके बाद फिल्म ने टोटल कमाई 140.5 करोड़ की कर चुकी है। साथ ही फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सैनन की गणपति मूवी के बारे में बात करें तो फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। ऐसे में अगर फिल्म की कमाई के बारे में बात करें, 200 करोड़ के बजट में बनी यह मूवी दूसरे दिन महज 3 करोड़ की कमाई कर पाई। बता दें कि कीर्ति और टाइगर 9 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आ रहे हैं। दोनों ने हीरोपंती मूवी में डेब्यू किया था। फुकरे 3। पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और पंकज त्रिपाठी की फुकरे 3 को बॉक्स ऑफिस पर 24 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में फिल्म की कमाई की बात करें तो 24वें दिन फिल्म ने 21 लाख की कमाई की, जिसके बाद फिल्म की टोटल कमाई 93.66 करोड़ हो चुकी है। ऐसे में वीकेंड पर फिल्म के 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने की उम्मीद लगाई जा रही है।